हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है इंडियन एकेडमी ऑफ कॉमर्स। और जैसा कि आप हमने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अभी हम करने वाले हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूँ तो कुछ गलत नहीं होगा, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा रिपीट होता है एग्जामिनेशन में। तो इसको आप इस वीडियो को आप पूरे अच्छे से देखिएगा ताकि आपको इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये आपको अच्छे तरीके से पता चल पाए। ठीक है, तो ये लेक्चर हमारा जो है इग्नू के बीकॉम कोर्स के साथ रिलेटेड है, जो इको टू सब्जेक्ट का है, राइट, जिसमें हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट के बीच में क्या डिफरेंस है ये करने वाले हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, उसके पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए देखते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में क्या डिफरेंस है। कीपिंग इन द व्यू द फीचर्स ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड अ प्रॉमिसरी नोट, फॉलोइंग डिस्टिंक्शन कैन बी मेड बिटवीन द टू। ठीक है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज देखो, उसको एक तरीके से प्रॉमिसरी नोट कहा जाता है, बट इन अ वे अगर देखा जाए, इन अ वे क्या अगर देखा जाए तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है आइए देखते हैं। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में देखो, पहला पॉइंट है इट इज़ एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे। ठीक है, यहाँ पे देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक तरीके से ये अनकंडीशनल ऑर्डर है, एक तरीके का ऑर्डर होता है किसी भी तरह का कंडीशन के बगैर कि आपको जो है पैसे पेमेंट करने हैं। प्रॉमिसरी नोट लेकिन एक तरीके का प्रॉमिस है, इट इज़ एन अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे। ठीक है ना, यहाँ पे किसी तरह का कंडीशन नहीं होता, बस ये बात होती है कि एक समय के बाद आपको जो है पैसे पेमेंट करने हैं, तो ये प्रॉमिसरी नोट है, राइट। और ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अनकंडीशनल ऑर्डर होता है और ये अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है। ठीक, दूसरा पॉइंट है इट इज़ मेड बाय द क्रेडिटर। बिल्स ऑफ एक्सचेंज देखो, जो क्रेडिटर होता है वो बनाता है, राइट, जो उधार देता है वो बनाता है, और प्रॉमिसरी नोट कौन बनाता है, इट इज़ मेड बाय द डेटर, जो डेटर होता है, राइट, वो बनाता है प्रॉमिसरी नोट को। तो काफ़ी आसान है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज विल बी क्रेडिटर और प्रॉमिसरी नोट विल बी डेटर। तीसरा नंबर पॉइंट है एक्सेप्टेंस बाय द डेटर इज़ नेसेसरी। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में देखो, एक्सेप्टेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डेटर के द्वारा। डेटर वो होता है जो उसको पैसे देगा, क्रेडिटर को पैसे देगा, तो डेटर के द्वारा एक्सेप्ट करना कि ठीक है तुमने जो मुझे बिल बनाया है मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ और मैं तुम्हें 2 महीने के भीतर इसके पैसे वापस कर दूंगा, तो ये एक्सेप्टेंस जो है डेटर के तरफ से होनी चाहिए, डेटर के एंड से होनी चाहिए अगर आप बिल ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहे हो तो। प्रॉमिसरी नोट में इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तीसरा नंबर पॉइंट देखो, नो एक्सेप्टेंस इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है ना, तो किसी भी तरह की एक्सेप्टेंस की जो है ज़रूरत प्रॉमिसरी नोट में नहीं है। चौथा पॉइंट है देयर आर 3 पार्टीज टू अ हिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज, सॉरी यहाँ पे हिल लिखा हुआ है, ये बी होगा। ठीक है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज में देखो 3 पार्टीज होती हैं, ड्रॉवर, ड्रॉई और पे। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ प्रीवियस वीडियो में, आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। चौथा नंबर पॉइंट है देयर आर ओनली 2 पार्टीज टू अ प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट में देखो 2 ही पार्टियाँ होती हैं, जिसमें एक पार्टी जो है प्रॉमिसरी नोट को ड्रॉ करता है और दूसरी पार्टी जो है उसे एक्सेप्ट करके पेमेंट कर देता है वापस। ठीक है, पांचवा नंबर पॉइंट है व्हेन द बिल इज़ डिसऑनर्ड इट इज़ बेटर टू गेट इट नोटेड बाय द नोटरी पब्लिक। देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जब आपका बिल डिसऑनर हो जा रहा है, मतलब बिल जब आप बजाने के लिए या फिर इनकैच कराने के लिए जब आप बैंक में जा रहे हो तो पता चल रहा है कि जिस अकाउंट के थ्रू पैसे कटने हैं उस अकाउंट में पैसे ही नहीं है, तो उसमें क्या होगा, जो आपका बिल है वो डिसऑनर हो जाएगा, मतलब बिल की जो है वो वैल्यूएशन ख़त्म हो जाएगी और जिस व्यक्ति ने बिल को ड्रॉ किया होगा उसको फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, सॉरी, जिसने एक्सेप्ट किया होगा। ठीक है ना, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ये चीज़ होती है। प्रॉमिसरी नोट में क्या होता है, नथिंग इज़ नॉट नेसेसरी, सॉरी, नोटिंग इज़ नॉट नेसेसरी। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में देखो, जब डिसऑनर हो गया तो उसको नोटरी पब्लिक से इसको नोट करवाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के क्षेत्र में। लेकिन प्रॉमिसरी नोट में अगर आपका प्रॉमिसरी नोट डिसऑनर हो जाता है, अगर डेटर जो है पैसे नहीं दे पाता, तो वहाँ पे जो है नोटिंग नेसेसरी नहीं होती, उसको नोट करना जो है इंपॉर्टेंट नहीं होता है प्रॉमिसरी नोट के क्षेत्र में। लेकिन अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, अगर बिल है किसी तरीके का, तो उसको नोट करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का पूरा लेक्चर था, जिसमें मैंने आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में क्या डिफरेंस है ये मैंने आपको बताया है। आई होप कि आप ये आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।